अगर आपको पता चला एक बार बीजेपी में सरकार में घमासान चला हुआ था और अडवाणी जी और वो कुछ वाजपेयी जी के उन दिनों छोटे छोटे चलते रहते थे, तो क्या हुआ कि एक किसी का देहांत हुआ तो वहाँ पे एक वो जो एक शोक सभा टाइप होती है, तो हमारे एडिटर ने मुझसे कहा कि भाई ये बाइट जरूरी है अडवाणी जी के, उनका साइलेंस भी चलेगा, यानी आई हैड एग्रीड विद इट, आई एग्रीड विद इट। तो क्या है कि मुझे जाके वो पूरे 3 दिन हो गए अडवाणी जी कहीं मिल नहीं रहे थे, तो मुझे वो शोक सभा में माइक लगाना पड़ा था वो नो कमेंट के लिए। तो क्या है कि Who was your editor? अब देखिए कुछ बातें मत पूछा करिए। राजदीप सरदेसाई है इसी तरह से एक बार सीएनएन आईबीएन शुरू नहीं हुआ था। नहीं मैंने एक बार कभी रिपोर्टर को साउंड बाइट कलेक्टर नहीं समझा। नहीं आप राजदीप नहीं था मेरे रिपोर्टर के साथ मैंने काम किया। दूसरा एक बड़ा आप लोग अफवाह फैलाएंगे वो कमेंट बॉक्स पे आएगा। देखिए राजदीप सरदेसाई सुन तो लीजिए, एक ही एजेंडा होता है सौरभ जी का इस प्रोग्राम में कि राजदीप सरदेसाई को किस तरह से कमेंट बॉक्स में बोलेगा विरोध कर सकते फंसा दे। नहीं ऐसा मेरा इकलौता एजेंडा होता है कि राजदीप सरदेसाई के अंदर जो 3.5 दशकों का अनुभव है वो अनफिल्टर्ड बाहर आए। ठीक है बाकी आईटी सेल वाले कमेंट में क्या लिख रहे हैं वो तो चलता है। ये कब से आपको परेशान करने लगा? मुझे कोई परेशानी नहीं होती है, मेरी चमड़ी धीरे धीरे मोटी हो गई। बंगाल के 2 दामाद अमिताभ बच्चन और राजदीप सरदेसाई, और ये बड़ा कमाल है कि दशकों बीतने के बाद भी किस तरह से उन्होंने अपने आप को रेलेवेंट रखा है। अरे दहेज एक ही में आ रहा है। अच्छा सुनिए, तो दूसरा किस्सा जो बड़ा मजेदार था कि देवेगौड़ा जी से सीताराम केसरी जी की अडमत चल रही थी, तो पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 से सीताराम केसरी जी उतरते हैं। हाँ। अपनी गाड़ी में बैठते हैं और जो उनसे पूछा जाता है वो कुछ नहीं बोलते हैं। सीताराम की जी की आदत थी वो मुंह बंद कर लेते तो खुलवा नहीं सकते थे अब उनका। वो गाड़ी में बैठ गए और उसमें से उन दिनों टीवी का एकदम नया चुलबुलापन सामने आ रहा था, और उनमें से एक बहुत एंटरप्राइजिंग पत्रकारा जो हैं वो दौड़ के गई और उन्होंने अपना माइक लिया और कार के अंदर शीशे में घुसा दिया। उन दिनों एसी का कल्चर नहीं था, तो वो लगा सीताराम केसरी जी के मुंह पे, तो तिलमिला तो गए चाचा केसरी, लेकिन यानी वो सोचिए प्रेजेंस ऑफ माइंड कि उन्होंने कहा कुछ पूछा उनसे गया कि आप समर्थन वापस लेंगे, इस टाइप का सवाल पूछा गया, तो चाचा केसरी ने लाओ बेटा माइक तो दे दो तुम कहाँ दौड़ोगे मैं बोलता हूँ। जब उन्होंने माइक पकड़ाया तो चाचा केसरी ने ड्राइवर को बोला कि गाड़ी भगा लो। चाचा केसरी माइक लेके चले गए। तो क्या है साउंड बाइट जर्नलिज्म का कई सारे आयाम हैं। पब्लिक स्पेस में है ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग इसी तरह से किस्सा बताता हूँ। बताइए। एक गृह मंत्री हुआ करते थे इंद्रजीत गुप्ता, वो मेरे सामने का किस्सा है। वो पार्लियामेंट में कुछ बड़ी मुझे लगता है प्रेसिडेंट्स रूल उत्तर प्रदेश में या इस तरह का कोई मामला चल रहा था, यूनाइटेड फ्रंट में वो गृह मंत्री थे। हमारी एक पत्रकार हुआ करती थी तब एनडीटीवी में, दिव्या मलिक लाहिरी। तो मैंने दिव्या मलिक लाहिरी को कहा था जो भी होना आप इंद्रजीत गुप्ता को किसी भी हालत में मुझे उनका रिएक्शन चाहिए, ये मैंने कहा था। इट्स नॉट साउंड बाइट, मैं सच्चाई बोलता हूं कि गृह मंत्रालय में जाइए एंड इंद्रजीत गुप्ता वाज अवॉइडिंग हर। फाइनली वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट से पिछले गेट से जा रही थी तो दिव्या मलिक उनको वहां पकड़ गए और वो दिव्या की तरफ देखती और कहती है What are you doing, madam? Wherever I go, मैं रात को भी सो नहीं सकता because I only see you. Wherever you go, she said, sir, but I want your sound bite. And उसने वो बड़े वैसे अच्छे आदमी थे, उन्होंने एक रिएक्शन दे दी। अब वो दिव्या की मेहनत थी, परिश्रम थी कि लगातार वो उनके पीछे रही because he was a newsmaker. मैं आपकी बात बिल्कुल बात, so I think you have to make distinction. कभी कभी yes. जरूरत पड़ती है कि आपको साउंड बाइट करना पड़ता है, दिव्या को तब जरूरत थी, बट कभी कभी मैं बिल्कुल आपके बात से सहमत हूं, वी आर ब्रेकिंग ऑल बाउंड्रीज। एक टैबलॉइड जर्नलिज्म हो गया है जिसकी वजह से देखिए डायना स्पेंसर को क्या हुआ था, बेली डायना को उस तरह से जब आप गाड़ी के पीछे उनके गए थे और टक्कर ऑलमोस्ट हर डेथ वॉज कॉज बाय टैबलॉइड जर्नलिज्म। ये देश में ना हो पत्रकारिता से किसी की मौत ना हो और पत्रकारिता की मौत ना हो, बाकी मुखा मुखम बहस चलती रहे।